हेलो गाइस, वेलकम बैक टू CFS। तो भाई आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और हम यहाँ पे आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाएंगे जिसमें देखिए आजकल के टाइम में ना बहुत ज़बरदस्त डीमेट अकाउंट से ना शेयर गायब हो रहे हैं, यानी कि हैकर्स जो होते हैं वो आपके डीमेट पे कब्जा जमा लेते हैं और भाई आपकी लाख कोशिशों के बाद भी आपके जो हार्ड अर्न मनी का जो शेयर्स होते हैं वो सेल हो जाते हैं। तो भाई इस पे ना बहुत सारी मुहिम जी बिजनेस की तरफ से चलाई जा रही है, तो उस मुहिम का हमें भी हिस्सा बनना चाहिए। और जितने भी लोग इस ऑडियो या वीडियो को सुन रहे हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो स्पेशली शेयर मार्केट के अंदर काम करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हैकर के निशाने पर आप भी बन सकते हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें और भाई अपने डीमेट को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखें। तो इस ऑडियो को यहाँ पे आप सुने। आपके अकाउंट में फ्रॉड हुआ है, लेकिन अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई एक्शन लेने के बजाय वो क्लाइंट को सीधे सीधे हाथ झाड़ते हुए सलाह देता है कि जाइए आप पुलिस की साइबर सेल में शिकायत कीजिए और आप खुद देखिए। यानी कि पहले हम कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद खाते को ब्लॉक करके नुकसान को कम करने की जो कोशिश है वो नहीं करेंगे, और उसके बाद अगर हैकर फिर से अकाउंट हैक करता है, शेयर फिर से बेचता है और नुकसान बढ़ाता जाता है, तो आप जाइए साइबर सेल में और वहां पर अपनी शिकायत कीजिए और देखिए किस तरह से ये रिकमेंडेशन दी जाती है। रिकॉर्डिंग सुनिए। सर, आपका अकाउंट पे फ्रॉड तो हुआ है, लेकिन IPFS जो है जो आप बता रहे हैं और कुछ अलग अलग है, नहीं तो अभी अभी करवा क्या चाहिए, क्योंकि जो जिसने भी बताओ सर आप कहना क्या चाहते हो, यानी ठीक है वो IP तो अलग है मेरे और मैं घर में आई नहीं उस वक्त, तो मेरे सिस्टम से मेरा सेलिंग होना पॉसिबल ही नहीं था। ये जो IP एड्रेस अभी आप बता रहे, तो ये IP एड्रेस से तो सेलिंग हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने किया ही नहीं, मैं घर में था ही नहीं उस वक्त जब वो हुआ तब, है ना सर। मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ, आपका अकाउंट पे फ्रॉड हुआ है, कोई लॉग इन करके ट्रेड किया है, तो जो नेक्स्ट स्टेप जो लेगा वो जो लेगा साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट, जो पुलिस को लेगा, ठीक है। तो साइबर क्राइम वाले लोग आपका IP एड्रेस का मतलब जो ट्रेड हुआ है उसका IP एड्रेस डिटेल्स पूछेगा। लेकिन ये मेरा रिस्टोर हो पाएगा क्या, जो लॉसेस हुए हैं वो सब? सर रिस्टोर तो नहीं हो पाएगा, रीजन ये है ऑलरेडी स्टॉक सेल हुआ गया, तो सेल होने के बाद ऑलरेडी मतलब सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन फंड जो है वो आपका अकाउंट पर ही है ऑलरेडी फंड। तो अब यहाँ कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि फ्रॉड के बाद सबसे पहले ब्रोकर से संपर्क करने में ही दिक्कत हो रही है, 15 मिनट तक ब्रोकर के फोन लाइन पर आपको वेट करना पड़ रहा है, और उसके बाद अगर फोन कनेक्ट हो भी गया तो दूसरी दिक्कत ये है कि ब्रोकर को मामले की समझ ही नहीं है और न ही वह अपने क्लाइंट को सही ढंग से एडवाइस दे पा रहा है। कभी वो कहता है कि आप शेयर दोबारा खरीद लीजिए जो बिक गए, तो कभी कहता है कि अगर आपको अकाउंट ब्लॉक करना है तो रिटर्न में ईमेल भेजिए, जबकि सामने से फोन करके शिकायत करने और खाता ब्लॉक करने की मांग की जा चुकी है। इस सबके बावजूद उसी बात को ईमेल पर लिखकर फिर से मांगा जा रहा है, और अगर ईमेल लिख भी दिया जाए तो उसके बाद भी घंटे डेढ़ घंटे तक अकाउंट ब्लॉक नहीं होते, जिसका नतीजा ये होता है कि क्लाइंट को नुकसान बढ़ता जाता है। हैकर्स एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन चार चार बार अकाउंट हैक करके लगातार अगले एक डेढ़ घंटे तक बारी बारी से शेयर बेचते हुए दिख रहा है। सवाल यह कि पहली बार सूचना मिलने पर ही खाते को ब्लॉक क्यों नहीं किया जाता है और इंतजार किस बात का होता है, और दूसरी बारी के देरी की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कब, कौन और कैसे करेगा। यह था पहला मामला। अब तक आपको मैंने डीमैट खाता हैकिंग के बाद ब्रोकर की ओर से किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है और ब्रोकर्स के सिस्टम किस तरह से तैयार है ये मैंने बताया, लेकिन आपने देखा कि फ्रॉड होने पर किस तरह से हर हाल में जिम्मेदारी आप ही की मानी जाती है और नुकसान भी आप ही को उठाना पड़ता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जिस प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेड हुए हैं यानी कि एक्सचेंजेस, क्या एक्सचेंजेस की तरफ से कोई उनकी जिम्मेदारी है, क्या एक्सचेंजेस आपको इस तरह के मामलों में किसी तरह की कोई हेल्प कर सकते हैं? तो अब पेश है दूसरा मामला जिसे देखने के बाद